नमस्ते स्टूडेंट्स आई सेल्फ विष्णु सामोत्या फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथेडोलॉजी प्रोग्राम बी एस सी बी एड सिक्स एम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिटी फर्स्ट फिजिकल स्टेट एलिफेटिक एसिड हैविंग कार्बन सी वन टू सी नाइन आर लिक्विड एंड हायर देन दिस आर कलरलेस सॉलिड मैक्सिमम एरोमेटिक्स कार्बोक्लिक एसिड आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड सोलिबिलिटी इन वाटर एलिफेटिक एसिड सी वन टू सी फोर आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर बट एट बट एज बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इनक्रीजेज सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ एल्किल ग्रूप दैट इज हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक एसिड्स आर इन सोल्यूबल इन वाटर ऑल दॉज बैनजोइक एसिड इज इन सोल्यूबल इन हॉट वाटर क्लियर तो ये होती है सोल्युबिलिटी इन वाटर सोल्यू नंबर ऑफ मास इनक्रीजिंग द सोल्युबिलिटी डिक्रीजिंग नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉयलिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस कंपाउंड्स इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द मोलीकुलर वेट जनरल कार्बोक्लिक एसिड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे फॉर्म डायमर बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट टेन मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनोइक एसिड आर द अल्टरनेटिव ऑर्डर दट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड हैविंग इविन नंबर ऑफ कार्बन ऐटम इज मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिड हैविंग ऑर्ड नंबर ऑफ कार्बन ऐटम देखो बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन सीरीज इंक्रीज होगी या नंबर ऑफ मास इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा ठीक है अब मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट अपन को देखना है ओड और इविन नंबर ऑफ कार्बन एटम में तो एविन नंबर कार्बन एटम मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम तो इसके अकॉर्डिंग अपन को मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के को डिफाइन करना है क्लियर तो गया हो गया मेल्टिंग पॉइंट एंड हो गया बॉइलिंग पॉइंट तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अपन ने जैसे प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइ एसिड एंड पेंटेनोइक एसिड तो माइनस ट्वेंटी डिग्री माइनस सिक्स और माइनस थर्टी सिक्स द एसिड हैविंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज मैथिल ग्रुप्स ऑपोजिट टू ईच अदर कैन बी इजली इजली इन द क्रिस्टेलाइन नेट एंड सो द जनरेट इंट्रामोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रेक्शन इंट्रामोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द ओड नंबर ऑफ इन द ओड नंबर कंटेनिंग एसिड द कार्बोक्सली ग्रुप एंड मैथिल ग्रुप आर सेम डायरेक्शन सो द मोल्यक्युलर बिकम्स अनसिमेट्रिकल एंड हैव लेस इंट्रामोलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द मेल्टिंग पॉइंट्स आर लोअर क्लियर तो देखो एसिड हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो इंट्रामोलिकल अट्रैक्शन हायर होता है तो इसलिए फो, फोर्स अट्रैक्शन हायर होता है तो इसकी वजह से वो ए, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है बट जबकि ओड नंबर कार्बन आइटम पर जो कि ओड नंबर कार्बन आइटम अनशिमेट्रिकल होते हैं और अनशिमेट्रिकल की वजह से इंट्रामोलिकल फोर्स कम लगता है और उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो ये हो गया इसका रीजन कि उसका ओड नंबर का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होता है और इवन नंबर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है देखो वापस बता रहा हूँ ओड नंबर का मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होता है क्योंकि इसमें इंट्रा इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन कम लगता है क्यों क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हैविंग लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देर द मेल्टिंग पॉइंट एज लोअर बट इन द ओड नंबर सीरीज द इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन इज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द ओड नंबर कंटेनिंग एसिड क्लियर इसके बाद में अपन बात करते हैं एसिडिटी अब देखो एसिडिटी की बात एसिडिटी में अपन बात करेंगे पीके वैल्यू एंड के वैल्यू उसके अकॉर्डिंग अपन एसिडिटी डिफाइन करेंगे कि कौन सी कंपाउंड की एसिडिटी किस ज्यादा होती है किसकी एसिडिटी कम का कम होती है यदि अपन को किसी कंपाउंड की पी के वैल्यू और के वैल्यू अपन को मिल जाती है इक्लिवेरियम की तो अपन उस कंपाउंड की एसिडिटी ईजिली डिफाइन कर सकते हैं अब जितने भी एसिडिक कंपाउंड है उनके अकॉर्डिंग अपन उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिख सकते हैं तो बात करते हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्लिक एसिड आर वीक एसिड एंड आयोनाइज इन वाटर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन जो आप एक एक इक्वेशन दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अपन इसका इक्लिबीरियम कॉन्सटेंट निकालेंगे और इक्विबेरियम कॉन्स्टेंट के साथ अपन उसके के वैल्यू एंड पी के वैल्यू निकाल के ये डिफाइन करेंगे कि ये कंपाउंड मोर एसिडिक है या लेस एसिडिक है तो देखो द इक्लिवेरियम फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ठीक है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंड रिएक्ट की फॉर्मेशन लिया तो के वैल्यू ऑफ कार्बोक्लिक एसिड्स विद इन द रेंज ऑफ टेन टू पावर माइनस फोर टू टेन टू पावर माइनस थ्री द Ka value is the acetic acid 1.474 into 10 to the power minus 5. The ionization constant Ka is equal to pKa value of carboxylic acid within the range of 4 to 5, value of acetic acid in 4.76. Clear? So pKa is equal to minus log Ka. इसके बाद में अपन बात करते हैं कि लेसर द पी के ग्रेटर द एसिडिटी जिसकी बी के वैल्यू कम होगी उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी और जिसकी के वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी तो ये मैं बोल सकता हूँ याद रखना फॉर्मूला एसिडिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एंड एसिडिटी इज़ इन रिवर्सली टू पी के और बेसिक में इसका उल्टा कर लेना तो यदि आपके कोई कोई कंपाउंड है या आपके पास कोई सीरीज़ है उसमें यदि किसी कंपाउंडों की पी के और के वैल्यू दे के रखा होता है और उसे पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है कि हायर एसिडिक कंपाउंड है लोअर एसिडिक बेसिक कंपाउंड तो अपन को उसमें उसके पी के वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन को याद रखना है तो मैं वापिस पी के वैल्यू इज़ डायरेक्टली परपोर्शनल टू बेसिसिटी एंड के वैल्यू इज डायरेक्टली परपोर्शनल टू एसिडिटी पीके वैल्यू इज इनिवर्सली परपोर्शनल टू एसिडिटी जैसे जैसे जिसकी पी acid तो के वैल्यू लेस होगी उसकी एसिडिटी ग्रेटर होगी ठीक है लेसर द पी के ग्रेटर द एसिडिटी पी के वैल्यू ऑफ फोर एसिटिक एसिड आर फोर से फाइव एंड एल्कोहल इज फोर्टीन से सिक्सटीन तो वाई एल्कोहल इज एसिड इज मोर एसिड देन एल्कोहल ठीक है यदि एसिडिटी की बात इसमें कार्बोक्लिक एसिड मोर एसिडिक देन एल्कोहल एल्कोहल की कार्बोक्लिक एसिड से मोर एसिडिटी क्यों होती है जबकि पी के वैल्यू तो उसकी फोर पॉइंट फाइव है और उसके एल्कोहल की कितनी है फोर्टीन टू सिक्सटीन तो उसका अकॉर्डिंग देख लो आप जिसकी पी के वैल्यू ज़्यादा होगी उस लेसर पी के द एसिडिटी ग्रेटर और ग्रेटर पी के एसिडिटी लेसर तो उसके अकॉर्डिंग अपन एल्कोहल और कार्बोक्लिक एसिड में डिफाइन कर सकते हैं आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोक्लिक एसिड लेट्स डिलोकलाइजेशन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज फॉर ऑन ऑक्सीजन टू अनोदर हैंड सेपरेशन एंडेन ट अनलाइक चार्ज टू प्रोड्यूस फोर्स डिवाइड टू आयोनाइजेशन सो इक्लवेरियम शिफ्टेड द राइट साइड एंड कार्बोक्लिक एसिड आयोनाइजन फर्स्टली टू द एल्कोहल आयोनाइजेशन ऑफ एल्कोहल द प्रोड्यूस एन आइन देन देर इज नो डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज एंड हैन्स आयोनाइजेशन स्लोली इक्लिवेरियम सप्टेड टू शिफ्टेड टू लिफ्ट तो एल्कोहल एल्कोहल रिएक्टिव इन रेजोनेटिंग कार्बोक्लेट आइन एंड कार्बोक्लेट आइन एंड हाइड्रोलाइसिस क्लियर तो उसके बाद में देर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन देर द पार्शली पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉमनली कार्बन विद इन इंड्यूज पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओ बोंड एच इलेक्ट्रॉन विदड्रोइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोन इल कार्बन वीक्स ऑन बोंड एंड आइनाइजेशन ऑफ कार्बोक्लिक एसिड कंपेर टू एल्कोहल नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सब्सिटेंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्लिक एसिड इलेक्ट्रॉन विदड्रोइंग ग्रुप सी एल बी आर आई इनक्रीजिंग एसिडिटी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप इंक्रीजिंग लगाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन विदड्रोइंग ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फॉर्म द कार्बोक्लिक ग्रुप एंड इक्लिवेरियम शिफ्ट टू राइट दैट इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ कार्बोक्लिक एसिड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ओ एच एंड एन एच टू डिक्रीजिंग द एसिडिटी The electron donating group add electron density to carboxylic groups and equilibrium shifted to left to right the decreases acidity and to the carboxylic acid in in these reactions acidity, acid and weak acid react with amide less acidity than the carboxylic acid and acyl chloride more acidity than carboxylic acid why electron withdrawing group are attached in carboxylic acid in acidity is more than and electron releasing group attached in carboxylic acid less एसिडिटी टू द कार्बोक्लिक एसिड तो अपन को इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अटैच करेंगे तो उसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच है तो उसकी एसिडिटी डिक्रीज होगी क्लियर तो अपन को जैसे इसमें क्लोराइड मैंने इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप अटैच किया तो उसकी मोर एसिडिटी हो गया मोर एसिडिक देन एसिड एसिड एंड लेस एसिड देन टू कार्बोक्लिक एसिड क्योंकि उसमें अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच किया क्लियर ये हो गया इलेक्ट्रॉन विडड्रोइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो ये होता है इफेक्ट ऑफ सब्सिटेंट ऑन कार्बोक्लिक एसिड ग्रुप क्लियर तो इसके अकॉर्डिंग अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के अपने पास यदि आठ दस को कंपाउंड और उसमें पूछा जाएगा कि इक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा तो अपन उसके अक या तो पी के वैल्यू या के वैल्यू के अकॉर्डिंग और इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूट के अकॉर्डिंग आप उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ईजीली दे सकते हैं कि ये कंपाउंड इंक्रीज होगा या ये कंपाउंड डिक्रीज होगा इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी या इसकी एसिडिटी कम होगी क्लियर ओके थैंक यू